एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम बात करेंगे रैशनलाइजेशन के पार्ट 5 के बारे में। इससे पहले हम इसके 4 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ रैशनलाइजेशन के बेसिक्स कवर किए हैं और प्लस कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स में से आ चुके हैं। आज हम रैशनलाइजेशन के कुछ न्यू क्वेश्चंस और न्यू वैरायटी ट्राई करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि रैशनलाइजेशन की सीरीज़ आपसे मिस ना हो जाए, बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, प्लस स्कोरिंग सीरीज़ है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए आज न्यू वैरायटी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ए एंड बी इफ़ 1-√3 डिवाइड बाई 1+√3 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रखी है, इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है आपको। आप देखिए, सबसे पहला स्टेप वही हम रैशनलाइजेशन करेंगे, इंटू 1-√3 अपॉन 1-√3। ऊपर क्या बन गया है, 1-√3 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि 1² - √3². ऊपर हमारे पास बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ a² - 2b + b² ये फॉर्मूला होता है। अब इसको ओपन करेंगे, a की जगह पर है 1-2ab, 2ab मीन्स 2 × 1 × √3 प्लस b² मीन्स √3 का स्क्वायर। नीचे 1 का स्क्वायर 1-3, √3 का स्क्वायर -3, 1-2√3 + 3 डिवाइडेड बाई -2, देन 1+3 यू विल गेट 4, -2√3 डिवाइडेड बाई -2। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 × 2 - √3 डिवाइडेड बाई -2, 2 with 2 कैंसिल, नीचे सिर्फ माइनस का साइन रह गया। हम ऊपर ले जाएंगे इसको माइनस के साइन को, तो हमारे पास क्या बचा, -1 × 2 - √3। आंसर आया आपका -1 × 2 - 2, -1 - √3 + √3। ये हमारा आंसर है रैशनलाइजेशन का। अब लेकिन उसने इज इक्वल्स टू ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो अब हम क्या करेंगे, -2 + √3 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये हमारे लेफ्ट साइड का आंसर है। अब यहाँ से इक्वेट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 - 2, एंड बी की वैल्यू कितनी आ गई, √3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आइए पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी देखते हैं क्या हो रहा है। फाइंड ए एंड बी, सिमिलर क्वेश्चन एज प्रीवियस, when a plus b root 15 is equals to √5 + √3 divided by √5 - √3। ये CBSE 2012 का क्वेश्चन है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हम कौन सा पार्ट लेंगे, राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेंगे और इसको रैशनलाइज करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको रैशनलाइज करना है। बेसिक स्टेप फॉलो करेंगे, सबसे पहले ऑपोजिट साइन के साथ रैशनलाइजेशन करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्लियर। देन ऊपर क्या बन रहा है हमारे पास, √5 + √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे a² - b² √5² - √3² ऊपर हमारे पास बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, a² + 2ab + b². अब इसको लिखते हैं, √5² + √3² a² + b² + 2 × √5 × √3। देन √5² - 5, √3² - 3। देन उसको सॉल्व करते हैं, √5² - 5, इसका 3 प्लस 2 × √5 × √3। √5 × √3 को ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो रूट के अंदर है, बिना रूट के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना है। 2√15 / 2।
5+3, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ क्या करेंगे, 5+3+2, बट ये रूट भी उसके साथ है, ध्यान रखना है इस चीज़ का. 5+3 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2. अब क्या करेंगे, अब हमें किस फॉर्म में बनाना है इसको, a+b√15. अब ऊपर में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा 4+√15 डिवाइडेड बाई 2. 2 से 2 कैंसिल, देन वी विल गेट आंसर एज 4+√15. ये हमारे राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है. अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस. क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, a+b√15 इज इक्वल्स टू 4+√15. अगर हम इसको इक्वेट करें तो a की वैल्यू कितनी बन रही है 4, एंड b की वैल्यू कितनी बन रही है. अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है. b की वैल्यू कितनी बनी, 1. आंसर इज a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 1. तो आप देख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, इसको आप देख सकते, स्टेप बाय स्टेप्स आपको बस सॉल्व करना होता है. रैशनलाइजेशन बहुत ही इजी प्लस स्कोरिंग होती है. तो आइए अब ऐसा एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें रैशनलाइजेशन के साथ साथ एक स्मार्ट वर्क करना है टाइम बचाने के लिए. तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं. फाइंड ए एंड बी इफ़ दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस अंडर रूट बी. देखने को तो अब ये किसका क्वेश्चन है, रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, बट इसको मैं रैशनलाइजेशन के साथ नहीं करूँगी. अब आप देख सकते हैं वैसे रैशनलाइजेशन के साथ भी हो जाएगा, इसको लेकर अलग अलग पार्ट्स आप सॉल्व कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा. जिसकी रैशनलाइजेशन स्पीड फास्ट है वो ऐसे भी कर सकता है. बट एक और वे से आज इसको देखते हैं कैसे करेंगे इसको. लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले रही हूँ मैं, इसका एलसीएम ले रही हूँ. तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, √2-1 एंड √2+1, ये इसका एलसीएम हो गया. देन अब ऊपर क्या बन गया हमारे पास, √2+1 का होल स्क्वायर माइनस √2-1 का होल स्क्वायर, एलसीएम लिया हमने सिंपल, क्योंकि √2-1 ऑलरेडी है तो √2+1 इंटू √2+1 √2+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा. अब इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a+b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² + 2ab. ठीक है, अब मैं इसको बाहर माइनस है तो इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखूंगी, a-b² a² + b² - 2ab डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बन गया, a-b (a+b) √2² - 1² अब चलते हैं ऊपर न्यूमरेटर की तरफ. √2² + 1 + 2√2 - मैं साथ साइन भी चेंज कर रही हूँ, √2² - 1 + 2√2 डिवाइडेड बाय √2² - 1. अब हम चलते हैं, 2 and 2 कैंसिल, 1 and 1 कैंसिल, नेगेटिव ऑपोजिट साइंस थे तो ये क्या बन गया, 4√2, 2√2 + 2√2. कभी भी जब भी रूट्स प्लस करने हैं तो आपका ये वाला बाहर वाला प्लस होगा, अंदर वाला प्लस नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 1. ठीक है, देन इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा ये, a+√2b. तो अब हमने a और b की वैल्यू निकालनी है. अब आप ध्यान से देखिए, रूट टू के साथ क्या है, 4, यहाँ पर क्या है b, तो b की वैल्यू कॉमन क्या आ गई, 4. अब a की वैल्यू कुछ और है नहीं तो दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई, 0. दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. तो a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू 4, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है. अगर आप इसको रैशनलाइजेशन के साथ करते तो वो क्वेश्चन और भी ज़्यादा लंबा हो जाता. हमने हमेशा एग्जाम पेपर्स में टाइम सेव करना होता है. तो आज की वीडियो में इतना ही. आज हमने रैशनलाइजेशन के पार्ट 5 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करे जिसमें हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी ए एंड बी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस बहुत स्कोरिंग है. देन अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रैशनलाइजेशन सीरीज़ का कोई भी एपिसोड आप मिस ना कर सकें. हैव अ गुड डे.